आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हम ढेर सारे उपाय करते हैं सुंदर दिखने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा यौवन यूं ही बना रहे। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं, हमें बूढ़े नहीं होना है, हमें तो हमेशा जवान ही दिखाई देना है। हमारा यौवन चिर काल तक ज्यों का त्यों बना रहे, है ना? तो चिर काल तक ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन ये जरूर कहूँगी कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो बुढ़ापा जल्दी आपके आसपास नहीं फटकेगा। आप देखना दोस्तों, कितने ही लोग ऐसे हैं जो 40 साल में 35 साल में काफ़ी एजेड दिखाई देने लग जाते हैं। कितने लोग 55 साल तक 60 साल तक भी बूढ़े नहीं दिखाई देते, बूढ़े नहीं दिखाई देते। हाँ, वे उम्र लायक थोड़े दिखेंगे, लेकिन बूढ़े नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि यौवन उनके अंदर भरा हुआ है। बहुत कम उम्र में बूढ़े दिखाई देने लगना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और उसके लिए काफ़ी लेडीज से जेंट्स भी है ढेर सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करना, और भी जो घरेलू उपचार हैं वे भी यूज़ करते हैं कि हम हमेशा जवान दिखाई दे रहे हैं, हमारे त्वचा में हमेशा एक टाइट त्वचा हो, निखार हो, सौंदर्य हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि सौंदर्य बढ़ता ही चला जाएगा, वो शुक्रवार के दिन करना था, बहुत ही छोटा सा मंत्र। उसमें मैंने बताया था कि आप शुक्रवार के दिन महीने में दो महीने में एक बार आप उसको शुक्रवार के दिन कर लें, आपका सौंदर्य बढ़ता ही चला जाएगा। मैंने तब भी बताया था कि सौंदर्य का मतलब यही नहीं है कि आप गोरे हों। कितने लोग बहुत गोरे होते हैं लेकिन वो सुंदर नहीं होते, उनके चेहरे में सौंदर्य नहीं होता, एक आकर्षण नहीं होता। आकर्षण होना और सौंदर्य होना अलग, एक अलग चीज़ है, और गोरे होना अलग चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण भी गोरे नहीं थे, लेकिन कितने कहा जाता है कि उनका जो चेहरा था किसी के भी मन को मोह लेता था, मोहिनी थी। वो वीडियो में उन्होंने बहुत ही अच्छा मंत्र दिया, यदि आपको उचित लगे तो उसको अवश्य ही देखना। चेहरा सुंदर होता ही चला जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं जवान रहूं, मैं सुंदर रहूं। इसके लिए दोस्तों अप्सराएं साधना बहुत ही फायदेमंद होती है। जब आप कोई अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो आपका यौवन चिरकाल तक बहुत ही लंबे समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है। आपको भी पता होगा कितने जानी मानी हस्तियां हैं, मैं यहाँ वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिनकी उम्र 75-80 साल होने के बावजूद भी उनके ऊपर बुढ़ापा, मतलब यूँ नहीं है कि वो 16 साल के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बुढ़ापा उनके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए वो नहीं देता है। कहीं ना कहीं लोग ढेर सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो लोग कुछ जानते हैं और उसको मानते हैं वही लोग उसको फॉलो करते हैं। जो मान लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, उनको उस चीज़ का फायदा हो जाता है, और जो लोग तर्क वितर्क में रह जाते हैं, आराम से लिखते हैं, फेक है, उनकी खुद की लाइफ भी फेक जैसे ही हो जाती है। क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्य है उन लोगों का कि कितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच भी जाती है और वो लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं जो अपने व्यूअर्स है सब्सक्राइबर्स है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो मैं वीडियो डालती हूँ आप उसे देखें, और वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है या वो उपाय करना यदि आपके लिए पॉसिबल है तो अवश्य करके देखें। अपने मन को बिल्कुल भी भ्रमित ना करें, ठीक है? जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाइक करने में दोस्तों कहीं भी कंजूसी ना करें, ठीक है? चलिए मैं आपको उपाय बताऊँ, बहुत बहुत साधारण उपाय है और बहुत बढ़िया उपाय है। आपको दोस्तों शुक्रवार के दिन कब करना है उपाय, बहुत ध्यान से सुनना है। शुक्रवार के दिन आपको लाना है सुपारी का बांदा। शुक्रवार का दिन हो और सतभिसा नक्षत्र हो,
इस दिन आपको लाना है सुपारी का बांदा। बराबर, पहले तो आप फाइंड आउट कर लें सुपारी के पेड़ में कहाँ बांदा लगा हुआ है। सद्भिजा नक्षत्र शुक्रवार का दिन ये देख लें, या तो फिर दोनों में से कोई एक दिन हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें वार से ज्यादा तिथि महत्व की है। सद्भिजा नक्षत्र हो, यदि शुक्रवार ना हो, एक बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं सद्भिजा नक्षत्र नक्षत्र तो है शुक्रवार नहीं है, तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। यदि दोनों चीज मिल गई तब तो समझिए सोने पे सुहागा है। ये चीज अपने हजारों गुना ताकत से आपका साथ देगी, आपकी जो इच्छा है उसे परिपूर्ण करेगी। तो आपको सुपारी का बांदा देख लेना है सद्भिजा नक्षत्र में और शुक्रवार के दिन, ठीक है। जब आप इस पौधे के पास जाते हैं, सुपारी के पेड़ के पास, आपको वहां खड़े होकर के सबसे पहले तो आपको उसमें चावल चढ़ा देने हैं, पीले चावल। मतलब कि चावल को थोड़ी सी हल्दी डाल करके, हल्का सा पानी डाल करके आपको उसको पीले कर लेना है। ऐसे चावल आपको चढ़ा देना है सुपारी की जड़ में, उसके पेड़ की जड़ में दो अगरबत्ती लगाना है और जल चढ़ा देना है। और वहां खड़े होकर के आप जितनी भी अप्सराओं के नाम बोल सकते हैं उतनी आप अप्सराओं के नाम बोलें। कोई भी आपको अप्सरा का नाम नहीं मालूम है तो जो एक आधा नाम भी आपको याद हो आप उसी का नाम बोलें। मतलब अप्सराओं का नाम लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अप्सराएं के पास चिर यौवन होता है, यदि उनका आपको आशीर्वाद मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप उर्वशी उर्वशी बोले, रंभा रंभा, जो भी मतलब आपको जो भी मालूम हो इतने इतना का आप नाम बोले। कोई नहीं मालूम हो तो कोई भी एक भी आप अप्सरा का नाम बोलते रहें और उसके बाद आप अप्सराओं को प्रणाम करें। ओम अप्सराए नमो नमः, बहुत साधारण सा है, सिर्फ आपको अप्सरा बोल के नमो नमः करना है, प्रणाम करना है। और जैसे आपको एक ही नाम मालूम है, उर्वशी मालूम है, तो आप उर्वशी 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 ये बोलते रहें ताकि आपको थोड़ा सा आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हो। उसके बाद आप घर में चले आएँ और दूसरे दिन जब सद्भिजा नक्षत्र हो उस दिन आपको जाना है और इस बांदे को थोड़ा सा काट करके अपने घर पर ले आना है, ठीक है। ला करके आपको सफ़ेद कपड़े के ऊपर इसको रखना है, मतलब कि सफ़ेद कपड़ा नीचे बिछाना है, उसके ऊपर आपको चावल की ढेर करनी है और खुद भी दोस्तों आपको इस दिन सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं, ठीक है। खुद भी सफ़ेद कपड़े पहने वाइट, और सफ़ेद कपड़े के ऊपर ही आपको चावल रखना है और उसके ऊपर इस जड़ को आपको धो करके रख लेनी है। उसके ऊपर कुमकुम चावल वगैरह आपको चढ़ाना है, थोड़ी सी दूध की बनी हुई मिठाई आपको उन्हें अर्पित करना है, गाय के घी का दिया लगाना है और अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। उसके बाद आप तुलसी की माला ले लें या फिर स्फटिक की माला ले लें और आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो इंद्राणये नमः, ओम नमो इंद्राणये नमः। आपको इंद्राणी को प्रणाम करना है, ठीक है। जितना आप इस मंत्र को बोलते जाएंगे इंद्राणी जी की आपके ऊपर उतनी कृपा उतरती जाएगी। इंद्राणी जी की जब आपके ऊपर कृपा है तो फिर सारी अप्सराओं की अपने आप आपके ऊपर कृपा उतरेगी, ठीक है। कम से कम आप एक माला करें, अदरवाइज आपको 11 माला करनी है, या तो एक करें या फिर 11 माला का आप जाप करें। जाप करने के बाद आपको इस जड़ को उस स्थान से उठा लेना है, उसको व्हाइट कपड़े में या फिर रेड कपड़े में उसको रैप करके आपको अपने राइट हैंड में बांध लेना है। जो भी जेंट्स हैं अपने राइट हैंड में बांधे, जो लेडीज हैं अपने लेफ्ट हैंड में बांध लें, बराबर। जो चावल है चावल आपको पक्षियों को खिला देना है, ठीक है। बहुत ही साधारण उपाय है, बस आपको ये बांदा ढूंढना है, बांदा ढूंढना है। इस बांदे को ला करके आप सिर्फ धारण कर लें, सद्भिजा नक्षत्र में आपको इसको लेकर के आना है। शुक्रवार हो, बहुत बढ़िया दिन रहेगा, आप देखेंगे कि बुढ़ापा आपके ऊपर हावी नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ठीक है। बहुत साधारण उपाय है, कर लेने के लायक है, तो करके देखिए दोस्तों। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य, करके देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।